दोस्तों आपके सामने बहुत ही बेहतरीन सा प्लान डिस्कस करने वाले हैं और हमारे एक पेड यूजर थे, हालांकि उनका प्लान है ही, बट उनको करेक्शन करके मुझे देना है। तो मैंने सोचा ये भी प्लान मैं आप लोगों के सामने पेश ज़रूर करूँगा, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत प्लान है। थोड़ा सा कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा, इस वजह से उन्होंने इस प्लान को थोड़ा सा करेक्शन मांगा है, बट मैं उन्हें करेक्शन करके दे दूँगा। लेकिन जो आज का प्लान मैं डिस्कस करने वाला हूँ ना, आपको लगेगा ये प्लान है 35x35 में, लेकिन पोर्च का जो डिज़ाइन आपका बना हुआ है इसमें वो अलग से है। मतलब 35x35 चारों तरफ से बना, इसका जो पोर्च आपका 10x10 का एक तरफ बना हुआ है और एक और थोड़ा 35x10 का बना हुआ, वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बाद बाकी आपका लगभग 35x35 में ये हाउस प्लान पूरा मैंने क्रिएट किया है। तो इसी प्लान को डिस्कस करेंगे, बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत प्लान होने वाला है, डबल स्टोरी प्लान है, आपके सामने मैं साझा करूँगा। आपको लगेगा ये प्लान और ये कॉर्नर का प्लॉट है, दो तरफ से रोड निकला हुआ है, फ्रंट से और साइड से, ईस्ट फेसिंग है और साउथ फेसिंग है, दोनों तरफ से बना हुआ है। उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है। चलो बने रहिए स्टूडियो में लगातार, मैं पवन झांगड़े और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्मार्ट हाउस प्लान। दोस्तों मैं आपके सामने जो प्लान डिस्कस करूंगा, आपको लगेगा प्लान है, तो पूरा प्लान डिस्कस करने के लिए मैं आपको ले चलूंगा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो चलो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो ये देखिएगा दोस्तों, प्लान आपको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो आप मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ओवरऑल पूरा प्लान है। यहाँ पर दोस्तों चारों तरफ वेंटिलेशन के लिए उनके पास जगह है, दो तरफ से रोड है, तो दो तरफ आपका उनका दो दो या तीन तीन फुट जो भी छूटा है उनके अकॉर्डिंग यहाँ मैंने विंडो दिया है, क्योंकि उन्हें विंडो की रिक्वायर्ड काफ़ी थी। तो ये पूरा ओवरऑल प्लान होने वाला है। ये इनका ईस्ट फेस में है और ये साउथ फेस में है, जो बना हुआ है ये साउथ फेस का पोर्शन है, ये ईस्ट फेस का पोर्शन पूरा ओवरऑल बना हुआ है 35x35 फिट में, लेकिन ये पोर्च एक्स्ट्रा जगह पर बना हुआ है, ऊपर भी घुमटी बनी हुई है। तो इस प्लान को आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने, तो आपको मैं जूम करके दिखा देता हूँ, इसका रियलिस्टिक व्यू समझ में आ जाए। इसमें आपको प्रॉपर ग्रिल का इस्तेमाल मैंने जो किया है, आपका देखिएगा छतों का इस्तेमाल किया है, रूफ का इस्तेमाल किया है, वी शेप की छत है, जो घुमटी आप देख रहे होंगे, दोनों तरफ से आपका पोर्च बना हुआ है, यहाँ से भी आप एंट्री कर पाएंगे घर में और ईस्ट फेस में भी एंट्री कर पाएंगे, और साथ साथ आपको पार्किंग एरिया भी देखने को मिलता है। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर ओवरऑल है, जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए फ्रंट से दो पिलर इसका, ये बीम है और ये आपका पूरा डिज़ाइन है, यहाँ से ईस्ट वेस्ट से भी एंट्री कर पाएंगे। इसका देखिए कार पार्किंग मिलता है और ये देखिएगा यहाँ पर दोनों बेडरूम, इसलिए यहाँ पर दोनों विंडो दिए। मैं अच्छा पहले आपको चारों तरफ का डिज़ाइन दिखा देता हूँ, इसकी हर जगह जहाँ पॉसिबल हो सकता है वहाँ पर मैंने विंडो दिया है, जहाँ जहाँ बेडरूम है, जहाँ जहाँ किचन वगैरह है, जहाँ पर भी चीज़ें हैं वहाँ बेडरूम, यहाँ पर आपको विंडो दिया है। मेन डोर ये है ईस्ट फेसिंग का, यहाँ से आप एंट्री करेंगे साइड में विंडो, जैसे आप एंट्री करते हो तो आप एक बड़े से देखिएगा गैलरी में आ जाते हैं, और इसी गैलरी से आपकी स्टेयर्स भी गई हैं, टर्न होकर ऊपर आएंगे, इसके बाद आगे चले जाते हो। तो इधर से भी आप, मैं आपको दिखा दूँ, साउथ फेस से भी एंट्री पॉइंट दिया हुआ है, ये पोर्च है, यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं एक पूरे डाइनिंग हॉल में, बड़े से एरिया में। इस डाइनिंग हॉल के अकॉर्डिंग आपकी देखिएगा यहाँ पर फ्रंट में आपको दो बेडरूम देखने को मिल रहे हैं, ये जिसमें मैंने विंडो दिया था, दोनों बेडरूम दोनों को अंदर से यहाँ पर मैंने डोर दिए। पीछे की बात करें तो इस कॉर्नर पर भी एक बेडरूम है, इधर भी बेडरूम है, इधर आपका देखिए उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उनके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बना हुआ है, स्टोर रूम और पूजा घर। तो और इधर उनका ये शायद किचन है, ये ओवरऑल पूरा किचन है, ये उनका स्टोर रूम पूजा घर बना हुआ है, या आप इसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। और ये चार बेडरूम, दो कॉर्नर पर दो आगे, ये डाइनिंग हॉल, किचन और स्टोर रूम पूजा घर, स्टेयर्स, ये दोनों बना हुए ग्राउंड फ्लोर पर। और ये देखिएगा चारों तरफ विंडो दिया है, जहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी हो सकती है वहाँ वहाँ देखिएगा। उनका लेट एंड बाथ भी उन्हें बाहर चाहिए था, उनकी रिक्वायरमेंट थी सर मुझे लेट एंड बाथ बाहर चाहिए, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैंने घर के अंदर लेट एंड बाथ नहीं क्रिएट किया है। अगर आप इस घर को सिलेक्ट करते हैं तो आप इस वाले एरिया को लेट एंड बाथ बना सकते हैं, ये आपको विंडो हटाना पड़ेगा। बाद बाकी बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है 35x35 में, आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करके चीज़ों को दिखा देता हूँ, आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ये ग्राउंड फ्लोर, बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका फर्स्ट फ्लोर देखिए, ओवरऑल सेम है प्लान, कोई चेंजमेंट मैंने नहीं किया, वही सिर्फ आपका ग्रिल वगैरह देखिएगा चेंजमेंट हो जाता है। ये ग्रिल का डिज़ाइन जो है वो बना हुआ है बेहतरीन सा, आपके सामने पोर्च बने हुए हैं, बेहतरीन से ग्रिल लगी हुई है, ग्रिल का डिज़ाइन है लास्ट फ्लोर पर, और आपको एक गुमटी बना दिया गया है मात्र। ये देखिएगा बस गुमटी में थोड़ा सा आपको हो सकता है डिफर ये लगे, क्योंकि इसी के नीचे स्टेयर्स है, तो यहाँ पर आपकी जगह खाली रहेगी, इसका ध्यान रखना होगा आपको जब भी आप घर बनवाएं। तो या तो इस गुमटी को आप साइड में करिएगा, इस साइड में, और यहाँ पर आप
एक डोर वगैरह लगाइएगा, गुमटी ऐसा बनाइएगा, तो ये ओवरऑल 35x35 में प्लान विदाउट पोर्च के साथ बना हुआ है घर। अगर आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को अभी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। और दोस्तों मैंने पेड सर्विस इस्तेमाल की, आप उसे भी इस्तेमाल करिएगा। तो दोस्तों पूरा आपको मकान कैसा लगा मैं ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मैं लगातार ही ऐसे अपडेट्स की वीडियो दिलाता रहता हूँ, आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा स्मॉल हाउस नाम से चैनल है और इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है। अगर आपको भी पेड सर्विस का हमारी इस्तेमाल करना है तो आप हमें कॉन्टेक्ट करिएगा, हमें पेड सर्विस देते हैं दोस्तों। इसमें आपको 50% पेमेंट एडवांस देना होता है, 50% बाद में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।